हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रू ड्रीम्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू हेवन आईलाइनर और या फिर उसको आप स्केच आईलाइनर भी कह सकते हो। आज के वीडियो में हम एक ब्लू हेवन के स्केच आईलाइनर जो कि स्केच पेन आईलाइनर है उसके बारे में बात करेंगे, उसका रिव्यू देखेंगे एंड देखेंगे कि वो वर्क कैसा करता है। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। ये है प्रोडक्ट जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें रिसीव होता है एंड जो इसके ऊपर नेम मेंशन है वो है ब्लू हेवन स्केच आईलाइनर, जैसा कि यहाँ मेंशन है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमें नेट कंटेंट मिलता है 1.0 ml का एंड इसकी जो MRP है वो यहाँ 225 रुपीज़ मेंशन है। एंड मैंने बाय द वे इसको नाइका से परचेज़ किया था एंड जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो उस वक्त नाइका पर एक अच्छी सी सेल थी तो मैंने इसको उस वक्त परचेज़ किया था। एंड वी ऑल नो दैट कि ब्लू हेवन एक इंडियन ब्रांड है एंड इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। ब्लू हेवन के आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी तो आप देखेंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट्स की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसमें से एक मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है बट ये आईलाइनर स्केच आईलाइनर मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स मैट आईलाइनर प्रेफर करती हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट अंदर से कैसा है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारा प्रोडक्ट जो कि कुछ इस तरीके का है। ये प्लास्टिक पैकेजिंग में है, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप देखेंगे किसी भी दूसरे अच्छे ब्रांड्स में तो जो पेन आईलाइनर होते हैं, जो स्केच आईलाइनर होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो 300-400 के अराउंड रहती है, बट इसकी जो प्राइस है वो दूसरे ब्रांड्स के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड इस प्रोडक्ट पर मेंशन है ब्लू हेवन लाइन एंड डिज़ाइन स्केच आईलाइनर। एंड अगर मैं इसके टिप की बात करूँ तो ये है इसका टिप जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। बहुत सारी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है कि एक विंग्ड आईलाइनर लगाने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप विंग्ड आईलाइनर लगाना चाहते हैं बट आपसे नहीं लग पाता तो आप कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ईजिली ड्रॉ योर विंग्ड आईलाइनर बिकॉज इसकी जो टिप है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रिसाइज है, कितनी ज़्यादा शार्प है। आसानी से इससे विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक मानती हूँ विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करने में, बट अगर मैं इसके साथ विंग्ड आईलाइनर अपना ड्रॉ कर सकती हूँ तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर लेंगे डेफिनेटली। एंड यू कैन सी मैंने राइट नाउ इसको अप्लाई भी किया हुआ है, एज यू कैन सी। तो आप इसकी हेल्प से एक काफ़ी अच्छा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसी पेन लाइनर को स्केच आईलाइनर को अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब मैं आपको अपने हैंड पे एक बार इसका स्वाच दिखाती हूँ। ये सिंगल स्वाइप में ही डिज़ायर्ड कलर देगा, बिल्कुल ब्लैक इन कलर है। एंड इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बिल्कुल लगाने के बाद ये इंस्टेंट ड्राई हो जाता है। इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 2 मिनट या 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। इनफैक्ट आप देखिएगा इतनी जल्दी बस ड्राई हो गया है। एंड अब मैं इसको आपको दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे रब भी करेंगे तो भी ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। इन्होंने अपने पैकेजिंग पे मेंशन किया है कि ये वाटरप्रूफ है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है। स्मज प्रूफ और वाटरप्रूफ दोनों में डिफरेंस होता है। स्मज प्रूफ मतलब मैंने आपको ये टेस्ट दिखा दिया कि ये स्मज नहीं होगा रब करने पर भी, बट ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है। वाटर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये बिल्कुल हटना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनली ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बिकॉज अगर मैं बात करूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तो यार वाटरप्रूफ ना हो तो चलेगा, कोई भी आईलाइनर या काजल अगर मेरे लिए वाटरप्रूफ ना हो तो चलेगा, बट स्मज प्रूफ ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्मज प्रूफ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वाटरप्रूफ में थोड़ी सी कमी दे दें बट स्मज प्रूफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसका वाटर टेस्ट आपको दिखाऊंगी कि ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आके कितना जल्दी हट जाता है। तो एज यू कैन सी मैंने इस पर थोड़ा सा वाटर डाला है एंड ये देखिए ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये हल्का सा पानी लगने से ही हटना स्टार्ट हो गया, बट इट इज़ क्वाइट ओके फॉर मी। मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज समर्स आ रहे हैं एंड हमें अपने आईलाइनर और काजल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यार वो स्मज हो जाता है। अपने ऑफिस आवर्स में रहते हैं तो वो नहीं टिक पाता, लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाता।
तो इन सारी सिचुएशंस में इस टाइप के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि यार हम काजल लगाते हैं बट हमारी आइज़ पे टिक नहीं पाता, सुबह से शाम तक वो स्मज होने लग जाता है। तो इन दैट केस आप इस टाइप के किसी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको अपनी वाटर लाइन पर लगाएँ काजल की तरह। हाँ, अपनी वाटर लाइन के नीचे, ये जो हमारी नीचे ये वाली लाइन होती है, वाटर लाइन की जो नीचे वाली लाइन होती है, आप यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट आप वाटर लाइन में इसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड आईलाइनर या स्केच या पेन आईलाइनर जो होते हैं, इनको आप अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करना हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। आप वाटर लाइन पर नहीं लगाइएगा इसको, वाटर लाइन के नीचे वाली जो लाइन होती है आप वहाँ लगा सकते हैं इसको। एंड पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे ये स्केच आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं इसको आईलाइनर एज वेल एज काजल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करती हूँ एंड मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रही हूँ, तो सो दैट मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड ये लगाने के बाद बिल्कुल मैट लगता है, कोई शाइन इसके अंदर नहीं, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें ये मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।